हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, जस्ट फाइन, ओके, गुड। मेरे को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट्स में कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है और उसको यूट्यूब में कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब तो उसको पेस्ट करते हैं क्लाइंट, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको एक्चुअली इसके किस तरीके से बनाना है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। तो ये आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फाइन। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमेंट्स में कि थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो तो बना लेते हैं उसको थंबनेल को कैसे यूज़ करना है, तो इसके बारे में बताइए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वो थंबनेल कैसे बनाते हैं और किस तरीके से पूरा उसका यूज़ करना है पोस्टर्स को, तो वो किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है? ये काफ़ी, और उसको फिर आप यूज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, फिर उसमें बताता हूँ। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ आप उसमें मिलते रहें। थैंक यू। चलिए अपन चलते हैं। मैं जयवंत सिंह बघेल, javaonline.com ऐप्स बता रहा हूँ। पिक्सल लैब, इसमें आप जाएंगे, ग्लो आप प्ले स्टोर से स्टोर डाउनलोड करके आप इसमें रख लीजिएगा। तो इसमें ये इस तरीके का एक ऐप्स आएगा, ठीक, जिसमें आप अलग अलग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जो कि आप थंबनेल है एक्चुअली जो आप यूज़ करेंगे यूट्यूब में, ठीक। तो आप जो भी ऐसे थंबनेल आपने बैकग्राउंड यूज़ किया उसमें आप अपना टैब जो भी टेस्ट डालना है आप उसको नोट कर दीजिए इसमें, ये पेन के निशान पे आप जाएंगे, पेन से लेकर के जिसमें जो भी टेस्ट लिखेंगे, ठीक है? जैसे हम लिख रहे हैं हाउ टू मेक थंबनेल, राइट, हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है? ये हमने अपना टॉपिक दे दिया, ठीक, ये हम यहाँ पे ओके करेंगे, ये टेस्ट इसमें आ गया। अब हम इसमें बैकग्राउंड को इस टेस्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक देना है वहाँ पे आप ले जा सकते हैं, ठीक है? इसमें भी लिख सकते हैं थंबनेल, इसमें आप पेन पे जाएंगे, पेन से आप ले करके इसमें टेस्ट में लिख देंगे कि थंबनेल क्रिएटर या क्रिएट थंबनेल क्रिएट, यह से जो हाउ टू क्रिएट थंबनेल, जो भी आप टॉपिक देना चाहें वो दे सकते हैं यहाँ पे, टॉपिक आप कुछ भी अलग अलग बन जाएंगे ये आउट ऑफ मेगा थंबनेल, ये आपने यहाँ पे ओके किया, तो ऐसे ये टेस्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? अब इसमें जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की फ़ोटो जो आपको अब ये टेस्ट के टाइप भी अलग अलग चेंज करते हैं, ये प्लस पे आप जाइएगा, ठीक है ना? टेस्ट है, स्टिकर है और गैलरी, ये आपको फ़ोटो लगाना है पीछे, तो यदि आपके पास फोटोग्राफ्स हैं ऑलरेडी आपके आप कोई भी फोटोग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, या जो भी आपको फ़ोटो लेना है, ठीक है ना? आपने ये फ़ोटो ले लिया, इसमें दो टाइप की फ़ोटो रहेंगी, एक ऐसे फ़ोन को खड़ा करके लेते हैं और एक हॉरिजेंटली लेते हैं ऐसे लेटा करके, तो दो टाइप का लगता है, यूट्यूब में हॉरिजेंटली यूज़ होती हैं इस टाइप की फ़ोटो, तो ये इस टाइप की आपको फ़ोटो को ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस टाइप की फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मैच नहीं हो रही है तो आप ऐसा कैमरे को घुमा करके तो आप दूसरी फ़ोटो भी ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा ये फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है? तो ये पुरानी वाली चीज़ को आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा यदि आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, या हाफ ऐसे लगा लीजिए, तो मैं आपको एक दूसरे टाइप की भी बता देता हूँ, ठीक है? ये तो आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसको आप जो
आपने लिखा हुआ है हाउ टू मेक थंबनेल, आप इसको यहाँ पे इस टाइप से दे सकते हैं हाउ टू क्रिएट थंबनेल, तो थोड़ा सा आप इसको ये ठीक है इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। और ये वाला भी है टॉपिक, रखना हो तो रख सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे बना लिया। अब इसको आप ये ज़्यादा अच्छा लगा हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल है ना, और यदि ये फ़ोटो आपको ठीक लग रही है दैट इज़ ओके, या तो इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें तो ज़रूरत नहीं है वैसे, पर अच्छा लग रहा है ठीक है ये ठीक। तो यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हैं, ओके करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। इसमें और भी कुछ चेंजेस करना चाहें जैसे ये कलर है, थीम है, बैकग्राउंड है, 3D इफेक्ट्स है, ये आप सब चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, राउंड टाइप से कर सकते हैं यदि आपको यही चीज़ राउंड टाइप में लिखना है, या डिपेंड करता है कि अलग अलग है ना, या बोल्ड लेटर में लिखना है, 3D में लिखना है, जैसे बोल्ड में लिखना है तो यही चीज़ बोल्ड पे आ जाएगी, तो लेट्स वो ठीक है एक नया बन जाएगा, तो आप उसमें ना जाके ठीक है ना, जैसे आपने ये देखा ये आपको क्लियर हो गया। तो इसे मैं एक और दूसरा बना के बता देता हूँ कि जो 3D इफेक्ट्स के ऊपर है ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये अब इसमें हमने टेस्ट पे वही लिख दिया सेम, हमको पेन पे जाना है पेंसिल ना, हाउ आई क्रिएट थंबनेल ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे टेस्ट कर दिया, इसको आप इस तरीके से इसमें 3D इफेक्ट दे सकते हैं ठीक है। ये हाउ आई क्रिएट है तो इस टाइप से दे सकते हैं, ये बाद में भी मतलब जैसा आप चाहेंगे वो कस्टमाइज है। इसमें आपको यदि फ़ोटो लगाना है तो फोटो फ्रॉम गैलरी कोई भी आप फ़ोटो ले लीजिए ठीक है ना, ये दे सकते हैं ठीक है ना। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस में आप यूज़ कर रहे हैं, या बिग साइज़ में ले सकते हैं, ये बाद में आप एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है ठीक है ना। तो आप इसको छोटा या बड़ा जैसा ज़रूरत है वैसा कर सकते हैं, और इसको थंबनेल को हाउ टू क्रिएट थंबनेल है ना, ये हो गया टॉपिक ठीक है। और आप इस फोटोग्राफ्स को आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स लीजिएगा जैसे भी जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है ठीक वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं ठीक, इस कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से ठीक है, या इसको चाहे तो आप ऐसा फ्लैट कर सकते हैं, तो ये छोटे में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है। ये हो गया फिनिश, आप इसको यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे जा करके इसको सेव टू इमेज में जाके इसमें सेव कर लेंगे तो ये गैलरी में जा करके सेव हो जाएगा ठीक है। अब फिर यहाँ पे इसमें ऐड आ जाता है, जरूरत नहीं ये आप जो भी इसमें आपने बनाया हुआ है या सेव किया हुआ है ठीक है, इससे ठीक है ये उन्होंने बताया है जो हुआ है ठीक है ना, जो भी हमने बनाया है थंबनेल हाउ आई क्रिएट थंबनेल है ना, ये बन के आ गया। अब इसको आपको ले जा कर के वहाँ यूज़ करना है यूट्यूब में जो अपने चैनल बनाया हुआ है ठीक है ना, तो अब उस YT स्टूडियो और आपका जो भी आपने बनाया हुआ है कोई भी एक वीडियो बना करके आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ठीक है, तो अब आपको इसमें ले जा के पेस्ट करना बाय द वे ठीक है, तो ये पेस्ट करना एक्चुअली बोल रहे हैं, पर इसको आप इसमें जाके क्लिक करेंगे इस वीडियो पे, इसमें फिर आपको पेंसिल का साइन दिखेगा, आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे फिर एक और पेंसिल आपको दिखेगी, ये आ गया थंबनेल ठीक है ना, हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। तो इसमें तीन ऑप्शन दे रखे ऑलरेडी, इसको ना लेकर के आप कस्टमाइज थंबनेल, अब आपने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
तो ये वहाँ पे जा कर के पेस्ट हो जाएगा। अब ये जब सेव करेंगे तो वो वीडियो में जा कर के सेव हो जाएगा, और जब ये सेव नहीं करेंगे तो अभी वहाँ चेंजेस नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे जाके सेव करना है और डायरेक्टली यूट्यूब में जा कर के जो आपने वीडियो अपलोड किया है उसकी थंबनेल चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं थंबनेल को क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ कि ये तो आपने फ़ोटोग्राफ को एडिटिंग किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है। तो अब सेकंड यदि फ़ोटो आप लेते हैं कैमरे से तो आप खड़े मोबाइल, हेलो गाइस, यदि आपको ये यूट्यूब में थंबनेल बनाना यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करिएगा ताकि आपको इसी तरीके से नए वीडियोस आपको मिलते रहें और नए नए टॉपिक पर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।